बीते दिनों अमेरिका में बड़ा सियासी उलटफेर देखा गया जब राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान किया, तो वहीं कमला हैरिस के नाम को राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए अनाउंस कर दिया। इसके दो दिन बाद ही एक सर्वे आया जिसमें हैरिस को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त दिखाई गई है। रॉयटर्स इप्सोस के पोल में हैरिस ने ट्रंप के ऊपर 2% की बढ़त हासिल की है। ये पोल बाइडेन के राष्ट्रपति चुनावी अभियान से हटने की घोषणा के बाद सोमवार और मंगलवार को किया गया। इससे पहले रविवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी को चौंकाते हुए चुनाव ना लड़ने की अनाउंसमेंट की थी। 27 जून को डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस में खराब प्रदर्शन के बाद उनके ऊपर लगातार चुनाव ना लड़ने का दबाव बना हुआ था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 5 नवंबर को चुनाव होने हैं। ताज़ा सर्वे में कमला हैरिस को 44% समर्थन हासिल है, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 42% लोगों ने समर्थन दिया है। हैरिस को बढ़त दिलाने वाला ताज़ा सर्वे ऐसे समय में आया है जब उनके कैंपेन में कहा गया कि उन्होंने डेमोक्रेटिक नामांकन के लिए ज़रूरी समर्थन हासिल कर लिया है। इसके पहले 15-16 जुलाई के सर्वेक्षण में हैरिस और ट्रंप 44% पर बराबर थे और 1-2 जुलाई के सर्वेक्षण में डोनाल्ड ट्रंप पर 1% अंक से आगे थे। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के चुनावी एनालिसिस एंड्रियन ब्लूमोंड ने कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर अपना एनालिसिस दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि अभी हैरिस बनाम ट्रंप का चुनाव का एनालिसिस करना जल्दबाजी होगी। फिलहाल उन्होंने हैरिस की उम्मीदवारी को उचित बताया है। चुनावी विश्लेषक ने 2 चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हैरिस को ज़्यादा फायदा हो सकता है। एड्रियन ब्यूमोंट ने कहा कि अमेरिका में आर्थिक आंकड़ों में सुधार हुआ है और मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। इसका फायदा सीधे तौर पर हैरिस को मिल सकता है। इसके अलावा बाइडेन चुनाव तक 82 साल के हो चुके हैं जबकि हैरिस इस समय 60 साल की रहेंगी। दूसरी तरफ ट्रंप 78 साल के हैं। ऐसे में बाइडेन के लिए जो उम्र का मसला था वो हैरिस के लिए अब फायदेमंद साबित हो सकता है। फिर भी ऐसे उम्मीदवार का चयन करना जिसका प्राइमरी में चयन नहीं हुआ वो काफी जोखिम भरा हो सकता है। माना तो यही जा रहा है कि बाइडेन की उम्र मतदाताओं के लिए चिंता का विषय है, साथ ही वो ट्रंप से पहले ही पीछे चल रहे थे। ऐसे में एक नए उम्मीदवार को लाना ये डेमोक्रेटिक के लिए समझदारी भरा कदम है। चुनावी विश्लेषक ने बताया कि ऐसे कदम पहले भी दूसरे देशों में उठाए गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।